जब हमें कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, समस्या का हल नहीं मिलता, तो हम बड़ों के पास जाते हैं और उनसे उस समस्या का हल पूछते हैं। और कई बार हमें बड़ों से कुछ ऐसे उत्तर मिल जाते हैं जो जिंदगी भर के हमारे लिए सीख बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर, एक बेटे और एक पिता की कहानी। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। बेटा अपने पिता से सवाल करता है कि पिताजी मैं अमीर कब बनूंगा। तो उसके पिता सोचते हैं इसे क्या जवाब दूं। उसके पिता ने सारा जीवन परिश्रम में बिताया हुआ होता है और वह अपने बेटे से कहते हैं कि तुम तो पहले से ही अमीर हो। बेटा यह सुन चुप हो जाता है और उसे भी लगता है कि हाँ मैं अमीर हूँ। वो बेटा छोटा होता है। एक साल बाद बेटा फिर अपने पिता से सवाल करता है कि पिताजी मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। पिता फिर वही उत्तर देते हैं कि बेटा तुम तो पहले से ही अमीर हो। बेटा फिर चुप हो जाता है। ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं। बेटा बड़ा हो जाता है लेकिन उनके परिवार की माली हालत उतनी ठीक नहीं होती जितनी होनी चाहिए और उस बेटे को हमेशा लगता है कि हम लोग अमीर नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं। और वो फिर 10 साल बाद अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मैं अमीर कब बनूंगा। बेटे को फिर वही उत्तर मिलता है कि तुम तो पहले से ही अमीर हो। और बेटा पहले से बड़ा हो चुका होता है। वो सोचता है कि मुझे मेरे पिताजी मूर्ख बना रहे हैं लेकिन वो कुछ कहता नहीं। कुछ दिनों बाद वो अच्छी पढ़ाई कर बड़ा होता है और नौकरियों के लिए यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उसे बहुत सारी कंपनियों में अपनी फाइल और अपने एजुकेशन के साथ पहुँचता है लेकिन हर जगह उसे रिजेक्शन ही मिलता है और वो रिजेक्शन से परेशान हो जाता है। लगभग एक साल तक नौकरी ढूंढने के बाद भी जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो वो हताश हो जाता है, वो निराश हो जाता है। लेकिन वो अपने प्रयत्नों को जारी रखता है और लगभग एक साल बाद उसे बहुत अच्छी कंपनी में एक नौकरी मिल जाती है। और तब उसके पिता उसको बोलते हैं कि देखो बेटा तुम रईस हो कि नहीं। तो वो बोलता है पिताजी मैं अब छोटा नहीं रहा, मुझे मूर्ख मत बनाइए, हम कोई रईस नहीं थे, हम तो पहले से ही गरीब थे। तो पिता उससे कहते हैं कि बेटा तुमने जब 1-1.5-2 साल तक नौकरियां ढूंढी और तुम्हें नौकरियां नहीं मिली तो तुम घर पर क्यों नहीं बैठ गए, तुमने नौकरियां ढूंढना बंद क्यों नहीं कर दिया। तो बेटा कहता है ऐसा क्यों पिताजी, मुझे भरोसा था खुद पर कि मैं नौकरी पाकर ही रहूंगा, मुझे विश्वास था कि मुझे नौकरी मिलेंगी। तो पिता कहते हैं एग्जैक्टली यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम बचपन से ही अमीर हो, तुम बचपन से ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, इसीलिए हमेशा कहता था मैं कि तुम बहुत रईस हो बेटा। देख दोस्तों, सिर्फ पैसे धन दौलत से ही हम अपने आप का मूल्यमापन नहीं कर सकते कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। हमारे अंदर का उत्साह, विश्वास, हिम्मत, कुछ करने की चाहत, दृढ़ इच्छा शक्ति, यही तो हमारी असली दौलत है। ये दौलत जिस भी बच्चे के पास होती है वो बच्चा कभी गरीब हो ही नहीं सकता। हाँ उसका समय गरीब हो सकता है, उस समय उसके पास तकलीफें हो सकती हैं लेकिन वो 100% ये सक्सेस होता ही होता है और अपने जीवन में सफल होता है। अपने उत्साह को अपनी दौलत मानिए। दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।